नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत है। स्वप्न में डरना, कुस्वप्न या नाइटमेयर के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें रोगी भयानक और डरावने सपने देखता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसे बहुत ऊपर से फेंक रहा है या गला घोट रहा है। ऐसे में व्यक्ति सोते हुए घबरा कर एकदम उठ जाता है और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती है और सांस फूलने लगती है। इसका कारण है अजीर्ण या स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो या भोजन के बाद तुरंत सो जाना। विशेषकर ध्यान रखें, आजकल यह चीज़ बहुत हैबिट में आ गई है, तो खाना खाने के बाद चाहे वो लंच करें या डिनर करें तुरंत नहीं सोना है। कम से कम 2 से 3 घंटे तक समय व्यतीत करना है। जो छोटे बच्चे हैं उनके दांत निकलते समय या फिर वात नाड़ियों में कोई परेशानी आती है, इसके कारण यह सपने दिखाई देते हैं। इसके निदान के लिए जो भी हमारी पाचन क्रिया से संबंधित प्रक्रियाएँ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा उचित मात्रा में सीजनल फल और सब्जियों का भरपूर उपयोग करेंगे। यदि आपके म्यूकस एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसे भी दुरुस्त करें। नाड़ी सूत्र, किसी भी तरह का नाड़ी सूत्र का प्रयोग करें। आमाशय में जो दोष है उसे शुद्ध करें। उदर में किसी भी तरह के वर्म्स या कृमि ना होने दें और वात नाड़ी से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए वात नाड़ी मुद्रा अवश्य करें। इसके लिए पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह से ये लेके और ये पोजीशन में आपको करना है। इसके अलावा कुछ परहेज भी करें, जैसे कि जो भूख लगी है उससे थोड़ा कम भोजन करें, भोजन के बाद टहलें और भोजन के अंतराल रखने के पश्चात जब सही तरीके से पाचन हो जाता है तभी आपको आराम करना है। भारी और गरिष्ठ वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। भारी वस्तुओं में जैसे कि गोभी, मटर, आलू, अरबी, उड़द, इस तरह से आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो जो ये डरावने सपने आ रहे हैं जिसके कारण कि आप व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं और दिमाग में तमाम तरह की शंका कुशंकाएं आती रहती हैं, तो वो सब दूर हो जाएंगी। तो प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।